आप क्या आइडियाज दे रहे थे मुझे क्या करना चाहिए? एक्चुअली यूट्यूब कुछ खास ग्रो नहीं कर रहा ना हसन। माशाल्लाह ग्रो कर रहा है, हम लोग रेगुलर हो गए, कंसिस्टेंट हो गए डालने में। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि 30 days मतलब जब तक रमजान चल रहा है तो रोज व्लॉग बनाए, रोज व्लॉग डाले सो दैट पीपल कैन गेट टू नो अस बेटर। आईता चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। वॉज लुकिंग आउट फॉर अ मिरर लाइक दिस जो कि मैंने आइकिया पे देखा और मुझे काफ़ी सही लगा, तो मैंने बोला कि खरीदती हूँ। और मैंने हसन का सजेशन दिया, सो आई वॉज लाइक कि अरे गिर गया फ़ोन, सो आई वॉज लाइक कि ये खरीदूँ नहीं खरीदूँ, एक बार साइज़ देख लो। और हम दोनों एक करवट लेके, मैं अपने तरफ ये अपने तरफ होके सो रहे थे। एंड देन ही लाइक अच्छा लेट मी चेक। मैंने बोला जल्दी करो ना यार, इतनी देर में मैं इनका साइज़ में इंटू कर रही थी सेंटीमीटर से इंचज़ में। एंड इतनी देर में हसन मेरे पास मैसेज आता है, योर ऑर्डर कॉन्फर्मेशन। एंड दिस क्यूटी हैज़ बुक्ड इट फॉर मी एज माई ईदी। थैंक यू गाइस, मुझे रमजान के थर्ड डे मेरी ईदी गिफ्ट मिल गई है। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह बेटर लग रही तबीयत और सहरी का वक्त है, सहरी कर रहे हैं। शरीर फ्रेश हो रही है और सहरी करके नमाज पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ेंगे और फिर थोड़ा सो के आज मार्केट जाएंगे कुछ लेने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा दर्जा होता है माँ का। और वह शायद इसलिए सही भी होता है कि हम सब सहरी कर रहे हैं और एक माँ है जो इस टाइम पे भी खड़े होके अपनी सहरी छोड़ के सबके लिए जो है चाय बना रही है, खाना बना रही है। समझ जाओ ऐसा लग रहा था मम्मी चुपचाप पैसे दे रही थी, ले बेटा जा चिंजी खा ले। आपने तो कहा था कि आप कसाई क्या जा रहे हो, ये तो कोई फैशन शो की आउटफिट लग रही है। मुझे एक अच्छी चिकन की या मटन की दुकान नहीं मिल रही थी, गोश्त की दुकान, और इस चक्कर में मैं नेचर्स बास्केट से हमेशा ले रहा था। फाइनली मुझे यहाँ पर जोगेश्वरी में जाके बहुत ज़्यादा प्रीमियम और बहुत अच्छी लोकल जो है मुझको दुकान मिल गई और मैंने वहाँ से अभी बहुत अच्छा गोश्त लिया है। डैडी गए हैं फल लेने के लिए, अब हम लोग यहाँ से जाएंगे। मम्मी का फ़ोन ख़राब हो गया था, उसकी स्क्रीन ठीक कराने के लिए देंगे और उसके बाद नमाज पढ़ेंगे वहीं पर ही। एसी चलाओ ना, वो एसी तो चल रहा है, क्या खराब हो जाएगा डैडी? पीछे का एसी चल रहा है, खराब क्यों हो जाएगा पहले ये बताइए डैडी, क्या खराब हो जाएगा? ऑडियंस सब जानती है चिकन मटन उसको क्या बोलते हैं उर्दू में क्या कहते हैं? अरे भाई क्यों भाई, उसे कहते हैं गोश्त। क्या कर रहे है यार तू, मजाक है क्या? सामान पकड़ा दिया है और अब हम आए हैं मम्मी का फ़ोन ठीक कराने, लेकिन नमाज का भी वक्त हो गया है, जोहर की नमाज़ कज़ा हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ पर पहले नमाज़ पढ़ते हुए निकलेंगे। ये है मस्जिद जहाँ पर हम लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये इमाम साहब। जी आने हैं आप अहदा शरीन और मम्मी जो हैं आज कुछ अच्छा सा कीमा बनाने की तैयारी में। इतनी ज़्यादा हरियाली के साथ लगता है कि हम कश्मीर की किसी इतनी खूबसूरत मस्जिद में आ गए हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ हर चीज़ का इंतज़ाम किया गया है, वज़ू का प्रॉपर इंतज़ाम किया गया है। और ये देखिए आप कितनी ज़्यादा खूबसूरत एंट्रेंस है इस मस्जिद की। फ्रूट शॉपिंग वाह यार मैंगोज़,
अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि फल का राजा किसको कहते हैं। तो जी हमने जैसे बताया कि आज बन रही है घर में निहारी और ये देखिए मम्मी को जी देखो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है कुकर में। ओके अब एक सेकंड ये बता दो कि ये निहारी मसाला मटन के साथ ही डाल दिया था। हम शान को प्रमोट नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर शान चाहे तो हम उन्हें प्रमोट कर सकते हैं। अब ये दीप्ति ने मटन को वॉश करके रखा है बहुत अच्छा। ओके फैयाज क्या आज आप हमारी ऑडियंस के साथ अपनी निहारी रेसिपी शेयर करना पसंद करेंगे? बिल्कुल जी। तो आपने तेल में पहले जो है वो मटन डालकर उसको फ्राई करा। ये मटन भी स्पेशल होता है जिसे कहते हैं बोंग का मटन। किसका? बोंग। बोंग का मटन। बोंग का इसमें जो है जिसे मैंने कल बहू का मटन सुन लिया था। मम्मी कह रही है बोंग का मटन लाना, मैंने सुना बहू का मटन। कोई सेंस है इस बात की? शान निहारी मसाला डाल दिया है अभी यहाँ पर क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी कम है तो मम्मी शान का मसाला डाल रही हैं। वैसे मम्मी आप अपना खुद का बनाती हैं ना हमेशा? अदरवाइज अगर आप खुद का मसाला बना के डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी होगा। सेपरेट हो जाता है ये तेल छोड़ देता है तब तक हम इसको खूब अच्छे से बनाएंगे। हसन के लिए सरप्राइज है, हसन और उनके डैडी आएंगे तो खुश हो जाएंगे। इसके साथ में श्रीन ऑर्डर करेंगे तंदूरी रोटी का। यस। और रात को जब ये लोग तरावी पढ़ कर आएंगे तब एंजॉय करेंगे तंदूरी रोटी और निहारी। वैसे ब्रेकफास्ट डिश है अगर किसी को नहीं पता है, निहारी मींस निहार मुंह खाने वाली है ना। निहार मुंह कुकर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं ये अदरवाइज ओपन में बनती है, खुले हुए पतीलों में बनती है और वो पूरी रात पकती है, उसको चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है। लेकिन इतनी अर्ली मॉर्निंग जो है वो लोग इतना हैवी खाना नहीं खा सकते क्योंकि ये उस टाइम के राजा महाराजाओं के टाइम की जो है वो खाना होता था। कितने 10 मिनट भुनाई कर ली है मम्मी ने गोश्त की? 1.5 कप है ये, 1.5 कप पानी डाला है और अब हम बॉईल करने के लिए बंद कर देंगे। इसको प्रेशर में लगा देंगे। कितनी सीटियाँ अभी रख देंगे इसको आधे घंटे के लिए सिंपल, मतलब एक दो सीटी होने के बाद बिल्कुल इसको गल जाना। बिना अदरक के निहारी का कोई वो ही नहीं है और ऊपर से जो है वो बिल्कुल बारीक अनियन काटी जाएगी उसका ऊपर से देसी घी में। घर जाने का टाइम आया, सोचा मस्जिद से नमाज पढ़ते हुए जाएं तो अब हम वुजू बना रहे हैं यहाँ पर। सारा काम निपटा के अब हम घर जा रहे हैं। शरीन के कुछ कपड़े ऑल्टरेशंस के लिए हम लोग को देने थे, बस वो कपड़े वापस करके टेलर को घर निकलेंगे और थोड़ी सी हालत टाइट हो गई है क्योंकि तबीयत भी ख़राब थी। और सुबह के डैडी कितने बजे निकले? 12 बजे 12 बजे के निकले हुए और अभी टाइम हो रहा है 5, तो 5 घंटे हो गए हैं घर से बाहर। और सूत्रों से पता लगा है कि निहारी बन रही है, पहले मैंने कुछ और बताया था लेकिन अब पता लगा है कि निहारी बन रही है घर पे, तो मज़ा आने वाला है आज डिनर में। थिकनेस के लिए आपने आटा नॉर्मल कोई भी आटा? हाँ ये गेहूं का लेते हैं। विसल के बाद कुकर को खोल लिया है और लाजवाब खुशबू आ रही है और ये बोन्स अलग कर लिए हैं। अच्छा इसमें से बोन्स निकाल लिए हैं मम्मी ने अलग, इसमें से बोन मैरो निकालना है ना? हाँ इनमें से बोन मैरो निकालना है। इधर दीप्ति ने ये हरी मिर्च प्याज और अदरक अभी काट बारीक एकदम। अब इसमें ये जो है आटे का लिक्विड है इसको इस तरह से इसमें डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे ताकि कोई लंप ना बन। इससे देखो इसमें थिकनेस आ गई। ये मैंने इस टाइम में गैस बंद कर दी थी। ऐसे ही बॉईल करना है, ऐसे चला हाँ, चला के बस हाँ, ताकि आटा जो है वो नीचे ना बैठे। थोड़ा हम भी मेहनत कर लेते हैं, हमने कुछ हाथ लगाया नहीं। अरे कितना सही लग रहा है मम्मी, हैवी हो गया थिक एकदम है। हां टू यम अभी खाओ। क्या बनाया? वर्क जो मैंने मारो बोन मैरो निकाली थी वो भी डाल दी थी। हां ये तो खूब डाल डाल खा जाती है। ये फुल गैस पे करनी है? हां अच्छा ये बताओ
आज तो अब तो ये लोग जा नहीं सकते, क्या रोटी ऑनलाइन मंगाऊंगी। बताइए मम्मी आपको कौन सी ये चपाती बनवा दी, आज तो चपाती, क्योंकि आज जो है बच्चे बहुत थक गए। नहीं तो हम ऑनलाइन मंगाएंगे, बॉम्बे में सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता। अच्छा मिल जाएगी आपका? मिल जाएगी। ठीक है फिर ऑनलाइन पे। आज दीप्ति की रोटी की छुट्टी। मैंने कहा था लिया, मुझे पता से मंगवाना है। सुबह के खा लो, तुम्हारा थोड़ी रोज है, सब तुम खा लो, ऐसा करो। मैं खा लूंगी और क्या। करीम वाली चार ही मंगवाना, करीम की फ्रेंचाइजी ले लें हम। बिल्कुल है ना, खत्म झंझट, रोज वही की खाएंगे फिर। बस रेडी इसके लिए, बस घी ऊपर आना ना अभी। हाँ। इसमें घी ऊपर नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें ये फ्लोर पड़ गया ना। अच्छा तो तड़का लगाएंगे क्या? हाँ अलग से ये। अच्छा अलग से तड़का करेंगे, तो इसमें ऊपर घी आने का वेट नहीं करें, बस 10 मिनट हल्का पकाएं। और घी के लिए वी हैव टू पुट अनियन, वो अभी मम्मी बताएंगी कैसे करना है। अरे 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 थांबा थांबा, अरे थांबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, बेचारे थकी हुई शक्लें, रोजेदार जरा दिखाइए अपना फेस। हमें जानना हिसाब चाहिए पूरे दिन का। चलिए बैठिए, लोखंड वाला की बैक रोड पे है ये। और क्या है मस्जिद अंसार, अल अंसार रोड, अल अंसार चौक से ना, उसी मस्जिद के नाम से चौक है। और इसी के साथ मम्मी ने मुझे बुलाया है, निहारी दिखाने बुलाया है। ये ब्रिस्ता बना कर रखा है, ब्रिस्ता। ओके और ये मिर्च, और ये हो गया, और इसके ऊपर से देसी घी का तड़का रखा है। झुकाइएगा सर इधर। हाँ 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 हाँ, ये देखिए जरा, सो गुड लुकिंग, जस्ट लाइक यू मम्मी। चुप हो गए, चुप नहीं होगी, इसमें थोड़ा सा रोगन और चाहिए। तो मुझे बोलिए बनाने वाले वो है, उनको बताइए। रोगन रोगन नहीं, इस तो रोगन नहीं मिलता है। नहीं, नहीं, ये रोगन है, यहाँ पे रोगन दिख रहा है हमें। और अरे भैया मम्मी छोड़ेंगे नहीं बिना रोगन के। देखिए ये देखिए कितना रोगन है, लेकिन थोड़ा सा रोगन होता है। अरे अरे ये देखिए कि साइड नहीं नहीं, वो मैंने देखा खड़ा हुआ है। नहीं नहीं वो कम है, उनको ना बड़े पतले में दिखाना चाहिए। नहीं नहीं थोड़ा सा रोगन उसमें। चलिए जब खाएंगे ना तो नारी का मतलब ही ये है कि स्पाइसी हो। रोगन जोश थोड़ी है अब्बा, वो मम्मी रोगन जोश थोड़ी बना। लीजिए बस, चल रहा है मम्मी ये है। आप तो अभी से ईद की तैयारी करने में लगी है। फैशन शो बहुत चल रहा है। इन्हें दिखाऊं मैं? मैंने बेकार चप्पल रख दी थी शादी में। हम दुल्हन में चप्पल के साथ लेके आए हैं, चप्पल तो बाद में लगाऊंगा। बहुत अच्छी लग रही है, दिखाइए अब्बा को, दिखाइए। दुख रहे होंगे ना पैर? बहुत अच्छे, बहुत दुख रहे हैं। ये मत दबाओ, मत दबाओ, सब लोग रील में लिखेंगे गंदा गंदा। भाई मैं अपनी बीवी, मैं अपनी बीवी से कोई पैर नहीं दबाता, ये मेरी बीवी को खुद की मोहब्बत है। सच है कि हसन बिल्कुल भी ना अरे भाई पैर दबाते हैं ना कुछ, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो हसन की हालत हुई हुई है, बहुत ज्यादा बीमार है और बहुत ज्यादा इनके बॉडी एक हो रहा था, तो एज अ वाइफ आई थिंक इतना फर्ज तो बनता है। और इसमें कोई बुरा नहीं है, मतलब अपने माँ बाप के लिए नहीं करते क्या, और उनकी रिस्पेक्ट करता है। सो अब्बा लेकर आए हैं हम सब बच्चों के लिए ये चिकन रोल, वाह। और अभी हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि अभी आने आने में बहुत ज़्यादा वो होगा, इसलिए हमने कुछ बनाया नहीं आज इफ्तार में, है ना मम्मी? क्या बनाया हमने? सिर्फ फ्रूट चाट और शरबत बनाया है, और हम इसको रोल को थोड़ा क्रिस्पी करेंगे और वो खाएंगे बिफोर द मेन नहारी। और रूह अफ़ज़ा में हम लोगों ने इसके अंदर चिया सीड्स भी डाले, जो कि उर्दू में कहते हैं सब्ज़ा, और तो कुंभलंगा भी कहते हैं एक्चुअली इसको। तो इसके अंदर हम लोग डालें क्योंकि ये बहुत अच्छा हाइड्रेशन का सोर्स है। तो ये है संतरा, खजूर, मम्मी, डैडी, मिस्टर जॉन। अगर पिछले व्लॉग किसी ने नहीं देखा तो पिछला व्लॉग देखिए, मैंने क्यों इनको मिस्टर जॉन कह रहा हूँ।
ट्रेन इनसेन क्या है टेबल की रौनक? ये फ्राइम्स। मुझे लगा शिरीन टेबल की रौनक है। और मैं सबकी रौनक हूँ, मैं रौनक अली हूँ। आप क्या धूप मार रहे हो? ये देखो, ये एक जीव आया हमारे घर पे माशाल्लाह। अल्लाह मैंने ना कसम तो बोली का मतलब है इसको कस्टर्ड को। A few moments later. आप क्या करने से मच्छर मार रहे हो यहाँ पे हैं? मच्छर नहीं, कीड़ा मार रहा था जो मर गया। इसे मारने का टाइम है यहाँ। दिल्ली दरबार जिंदाबाद। आइए साहब। बस। वाह वाह वाह। जा रहे हैं कहाँ हैं? मेरा सरप्राइज तो मैं ही दिया था। आप सरप्राइज हुए? आपको पता चल गया था क्या? हाँ। वाह। इसपे ये डाल दे। और इसी के साथ हम इस व्लॉग को एंड करेंगे। यस, हम अपना खाना एंजॉय करते हैं। अगर आपको नहारी टेस्टी और यमी यमी लगी हो तो प्लीज अपने घर पे जरूर ट्राई करिएगा। एंड इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।